दुष्कर्म कर 7 वर्ष बालिका की हत्या करने वाले आरोपी को फांसी की सजा दी। 2 वर्ष पूर्व 7 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म कर हत्या किए जाने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पास्को एक्ट सोनभद्र निहारिका सिंह चौहान की अदालत ने शुक्रवार को सुनवाई करते हुए दोष सिद्ध पाकर दोषी शिवम को मृत्युदंड एवं 3,25,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 1 वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी पड़ेगी। कोर्ट ने दिए आदेश में जघन्यतम अपराध मानते हुए कहा कि दोषी सिद्ध शिवम को फांसी के फंदे पर तब तक लटकाया जाए जब तक कि उसकी मृत्यु न हो जाए। वही अर्थदंड की समूची धनराशि 3,25,000 रुपए मृतका के पिता को मिलेगी। अभियोजन पक्ष के मुताबिक बीजपुर थाना क्षेत्र के गांव निवासी पिता ने 7 नवंबर 2020 को बीजपुर थाने में दी तहरीर में आरोप लगाया था कि उसकी 7 वर्षीय नाबालिग लड़की 7 नवंबर 2020 को शाम 4 बजे से घर से गायब है। उसके अपने स्तर से हर संभावित जगहों पर तलाश की गई, किंतु उसका कहीं पता नहीं चला। बीजपुर थाना क्षेत्र के महुली गांव निवासी शिवम पुत्र लालमणि के साथ खेलते हुए देखा गया था। आशंका है कि उसकी बेटी को शिवम ने ही गायब किया होगा। इस तहरीर पर बीजपुर पुलिस ने अपहरण की FIR दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दी। विवेचना के दौरान पुलिस ने शिवम को हिरासत में लेकर पूछताछ की और उसकी निशानदेही पर लड़की के शव को नाले के पास से बरामद कर लिया गया। शव का पोस्टमार्टम कराया गया और रिपोर्ट मिलने के बाद हत्या व पास्को एक्ट की धारा की बढ़ोतरी हुई। विवेचक ने पर्याप्त सबूत मिलने पर न्यायालय में शिवम के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की थी। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुना। गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोष सिद्ध पाकर दोषी शिवम पुत्र लालमणि निवासी महुली थाना बीजपुर जिला सोनभद्र को मृत्यु दंड एवं 3,25,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने पर 1 वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी पड़ेगी। कोर्ट ने दिए आदेश में जघन्यतम अपराध मानते हुए कहा कि दोषी सिद्ध शिवम को फांसी के फंदे पर तब तक लटकाया जाए जब तक कि उसकी मृत्यु न हो जाए। वहीं अर्थदंड की समूची धनराशि 3,25,000 रुपए मृतका के पिता को मिलेगी। अभियोजन पक्ष की तरफ से सरकारी वकील दिनेश प्रसाद अग्रहरी, सत्य प्रकाश त्रिपाठी एवं नीरज कुमार सिंह एडवोकेट ने बहस की। सोनभद्र में सुनाई गई 4थी फांसी की सजा। सोनभद्र जघन्यतम अपराध के मामले में सोनभद्र जिले में ये 4थी फांसी की सजा सुनाई गई है। सबसे पहले ADJ फास्ट ट्रैक कोर्ट अवनीश कुमार द्विवेदी की अदालत ने जिले में फांसी की सजा सुनाई थी। उसके बाद ADJ तृतीय राहुल मिश्र की अदालत द्वारा दूसरी फांसी की सजा सुनाई गई थी। इसके बाद लगातार 2 फांसी की सजा क्रमशः ADJ पास्को कोर्ट पंकज श्रीवास्तव व 4थी सजा ADJ पास्को कोर्ट निहारिका सिंह चौहान की अदालत ने सुनाई। कोर्ट में आए मृतका के माता पिता ने कहा कि उनकी बेटी को अब न्याय मिला है। उन्होंने कोर्ट का धन्यवाद किया। सोनभद्र से संतोष साहनी की रिपोर्ट।